काल को स्वयंभू कहते हैं, ब्रह्म को। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं, यही तीन गुण हैं। ये समझ गया, आगे कंसेप्ट क्लियर हो गया। और क्लियर करते हैं इसको, क्योंकि ये अध्यात्मिक ज्ञान है और यदि इसमें जरा सा भी कच्चापन रह गया तो ये नकली गुरु अज्ञानी जनता को भ्रमित कर देंगे। परमेश्वर की कृपा से इनका ये दाव दास लगन नहीं देगा। हमारे सदग्रंथ हमारे पास हैं और श्रद्धालु शिक्षित हैं, हम इनको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम स मातम खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ से छपी है। ये इसके और काफ़ी विवरण दे रखा है कहाँ से छपी है। अब इसके हम तीसरे सकंद में इन तीनों गुणों को देखेंगे क्या है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, तीसरा सकंद शुरू होता है। अब देखना इसके 11 पृष्ठ पर, देवी भागवत 11 पृष्ठ, भाषा टीका युग तृतीय सकंद अध्याय 5 का, और मंत्र नंबर हम 8 पढ़ेंगे। पहले हिंदी पढ़ेंगे फिर संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है? विष्णु भगवान शंकर शिव जी बोल रहे हैं, हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है? और ब्रह्मा रजोगुण और हरि, विष्णु जी को हरि बोलते हैं, सतगुण युक्त क्यों किया है? अब हम संस्कृत देखेंगे। ये देखिएगा, ये 8वां श्लोक, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित चे। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मुझे क्यों बना दिया, कथम माने किस लिए, तमोगुण है, तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया? सुवित है कि मुँह सतोगुण हरी, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? अब इससे स्पष्ट हो गया, रजगुण सतगुण तमगुण ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और यही परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले बता रखा था, जो आज इन सदग्रंथों में प्रमाणित हुआ। अब देखिएगा फिर श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे, आसानी से हमारे ये हृदय में समा होगा ये ज्ञान। देखिए श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, अध्याय 7 और श्लोक नंबर 12 यहाँ से शुरू होता है, ये 12 है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से, सतोगुण से सतीथि, रजोगुण से उत्पत्ति और तमोगुण से विनाश होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि काल को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी जीवों के खाने का। अब ये क्या कहता, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब 13वें श्लोक में क्या कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, यानी तीनों गुणों में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के ऊपर ही आसक्त है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, ये काल कह रहा है, ब्रह्म कह रहा है। अब 14-15 में कमाल कर दिया है,
गीता जी अध्याय नंबर 7 और 14 श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, ये बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, केवल मुझको ही भजते हैं, वे इस माया को तरंती तर जाते हैं, यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो इनकी भक्ति नहीं करते ब्रह्मा विष्णु महेश की। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, काल कह रहा है, मेरी भक्ति करते हैं। अब यहाँ बताते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं जो मुझे भजते हैं, इनसे अच्छा लाभ मिलता है। अब 15वें में कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने, इस माया के द्वारा यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि सेट होगी, इससे आगे कोई सुनने को तैयार नहीं है, इन्हीं से जो लाभ मिल रहा है उसी में ये आरूढ़ हैं। तो कहते हैं जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तक की ही जो सीमित हैं, इन्हीं पर आसक्त हैं, जिनका ज्ञान इनके द्वारा हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के जो पुजारी हैं उनके विषय में कहा है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब फिर पढ़िए, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इनसे आगे किसी की भक्ति करना नहीं चाहते, इन्हीं की जो भक्ति करते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अपने आत्माओं, इस पवित्र सदग्रंथ में कितना निर्णायक ज्ञान दिया है श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 श्लोक में। अब 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों गुण रूपी यानी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन्हीं की पूजा में आसक्त हैं, इन्हीं से मिलने वाले क्षणिक लाभ में ये संतुष्ट हैं, किसी और की बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये तीनों गुणों के पुजारियों के विषय में गीता जी ने लिखा है। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कह रहा मेरी भक्ति भी ना करते। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की भक्ति की थी अरण्यकशिपु ने, राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया, ऐसे ही तमगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, राक्षस कहलाया, ऐसा जुल्म कर दिया दूषित कर्म, अपनी ही माता को उठा ले गया, यानी भगवान शिव की पूजा करता था। ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी ये तीनों भाई हैं, बड़ा ब्रह्मा बीच वाला विष्णु छोटा शंकर। अब भगवान विष्णु की पत्नी माता हुई, क्योंकि उन जिसको वो इष्ट मान रहे थे शंकर भगवान को, उसका बड़ा भाई और रावण पुजारी, ऐसे ही इस तमगुण शिव की पूजा की थी बसमागिरी ने, भगवान शिव जी के महल के सामने गेट के सामने सिर आसन पर ऊपर ने पैर नीचे को सिर करके 12 वर्ष खड़ा रहा उल्टा। एक दिन पार्वती जी की प्रेरणा से प्रार्थना से भगवान शिव ने उस भस्मागिरी से पूछ लिया कि तू क्या चाहता है, मांग, तूने जो मांगना है मैं तेरे से प्रसन्न हो गया हूँ। अब भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। भगवान शिव जी ने सोचा भी तपस्वी आदमी है, के मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा दे दूंगा।
भगवान शिव जी ने कहा ठीक है भाई मांग ले, मैं वचनबद्ध हो गया। तभी उसने वो साधना त्याग दी, खड़ा हो गया और कहा कि आप अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव जी के हाथ में एक कड़ा था, उसमें ऐसा सिद्धि युक्त कर रखा था भगवान शिव जी ने कि जिसके भी सिर के ऊपर वो ऐसे करके भस्म कह दे वो जल जाता था, नष्ट हो जाता था, भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी किस लिए उपासना कर रहा था कि भस्म कंडा लेकर शिव जी से और शिव जी को मारूंगा, भस्म कर दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब पुण्य आत्माओं विचार करना इन बातों पर, इससे नीच कर्म और के होगा। अपने इष्ट की पत्नी पर ही बुरी नजर। अब भगवान शिव जी को ये नहीं मालूम इस दुष्ट के मन में के कुधारना है और इसको इनको अमंत्रियामी कहे, ब्रह्मा विष्णु में इसको अमंत्रियामी कहा करते, इसे हुआ कर अंतर्यामी और फिर इनको अविनाशी कहते थे। अब जो ही भगवान शिव ने कड़ा उसको दे दिया और कहने लगा भस्मागिरी के होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव जी डर के भाग लिए। भयभीत होकर अपनी जान रक्षा के लिए दौड़ दिए, स्पीड खींच दी, आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी जख खाट ठानते। अब ये जय अविनाशी होते इन भागण की क्या आवश्यकता थी? अभी तक इनके विषय में जो ज्ञान इन नकली गुरुओं ने दिया वो कति अज्ञान भर रखे हमारे अंदर। इनकी जीवनी में लिखा दास तो पढ़कर सुना रहा आपको। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए। भस्मागिरी से बोले कि रुक जाओ, अब शिव जी तो तेरे पास आएगा नहीं, उसको तो इतना भय है कि जब तक तेरे पास कड़ा है वो निकट नहीं आएगा। अब भस्मागिरी का तो उद्देश्य यही था कि पार्वती मिले मुझे। आगे आपको इस कथा का पता ही है कि भगवान ने फिर उसको गंडहत नात नचा के और उसी कड़े से उसका हाथ ऊपर लिया कर के ऐसे नाच इस हाथ को ऊपर कर इसको नीचे कर, जब वो कड़े वाला हाथ उसके ही सिर पर पहुंच गया तब कह दिया भस्म। वो भस्मा गिरी मर गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया। भस्मा गिरी से ये गिरी पुरी नाथ नागा सन्यासी ये सारे शिव जी के पुजारी हैं, तमगुण शिव के पुजारी हैं। तो भस्मा गिरी से वो भस्मासुर कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरिया। तो इस प्रकार कहा है तीनों गुणों के उपासक है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। अब विष्णु जी के उपासक अर्थात श्री कृष्ण जी के उपासक वैष्णो कहलाते हैं। एक बार हरिद्वार के अंदर कुंभ के मेले की परभी का संयोग हुआ, उस समय ये सभी ये त्रिगुण उपासक ये षटदर्शनी भी बोलते हैं इनको, ये छह प्रकार के जैसे गिरी पुरी सन्यासी वैष्णो नागा कनपाड़े नाथ, ये इस प्रकार छह प्रकार के ये अलग अलग इनके वैरायटी होती है, षटदर्शनी कहते हैं इनको। ये पहुंच गए वहां हरिद्वार में और वहां ये अलग अलग अपने अपने ग्रुप में खड़े इकट्ठे हो जाते हैं, गिरी अलग पुरी अलग सन्यासी न्यारे नागा न्यारे और वैष्णो अलग से। और जिस समय परभी का समय निर्धारित होता है उस समय उस सरोवर या दरिया में जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी पर परभी लगी थी, हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए चल पड़े ग्रुप के ग्रुप, कोई कोई हजार ग्रुप में। सबसे पहले नागा पहुंच गए, बिल्कुल निवस्त्र रहते हैं वो भी पग